हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं सपना सिंपल ब्लॉग। आज विश्वकर्मा पूजा था और बारिश सुबह से ही हो रही है, छूटने का नाम नहीं। बहुत तेज़ बारिश है और मौसम बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा था। तेज़ बारिश से झमाझम, और मैंने तो सोचा कि पता नहीं कैसे पूजा कर पाएंगे, लेकिन पूजा करते समय बारिश थम गया था और उसके बाद फिर से दोपहर में चालू हो गया। लेकिन हमारा पूजा तो 11 बजे तक ख़त्म हो गया था। तो देखिए, अभी सुबह के 6 बजे थे और ये अभी 8 बजने वाला है। अभी पूजा का सामान लेकर भी नहीं आए हैं, अभी गए हैं सामान लेने बारिश थमने के बाद। और मैं बालकोनी में आ गई हूँ चाय लेकर अपना, और सोच रही हूँ थी कि पता नहीं ये कब, ये जल्दी अगर नहीं है तो फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगा और पूजा भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। इन्हें पूजा करने में काफ़ी समय लगता है। और ये आ गए दूध और पूजा का सामान लेकर। मैं अपना दूध धो धो कर फ्रिज में रख ली और उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर ये खाना मांगते, मैंने सोचा कि पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ। और ये दूध जब भी लाते हैं तो मैं फर्स्ट में ही धो कर इसको रख लेती हूँ। गर्मी का सीज़न है और बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत उमस वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में आते ही पसीना पसीना हो जाता है, फिर मैं दूध पहले रख लेती हूँ ताकि दूध ख़राब ना हो जाए। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और ये नहाने चले गए थे। और नहाने के बाद ऐसे गाड़ी तो हमने कल ही धो लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर धोया था, क्योंकि तीन तीन गाड़ी, एक साइकिल है बच्चों का, इनका बाइक और कार है, तो कल ही धो लिया था। लेकिन आज फिर से एक बाल्टी पानी से बोले कि शुद्ध कर लूँगा, तो ये फिर नहा कर नीचे चले गए। और मुझे किचन में बहुत बोरियत हो रही थी, तो मैं आ गई बेडरूम में और वहीं मैं टीवी देखते देखते फिर सब्जी काटने लगी। और उसके बाद मैं वापस किचन में गई और मैंने झटपट सब्जी, चावल तो मैंने बाद में बनाया पूजा करने के बाद, दाल और सब्जी मैंने बना ली और साथ साथ में मैं किचन का काम भी फटाफट कर ली ताकि मैं नीचे जा सकूं पूजा करते देखने के लिए। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि सूट भी कर लूँगी, तो इसलिए मैं फटाफट कर ली किचन का काम, सिर्फ चावल सलाद ये सब छोड़ दिया। वो पूजा करने के बाद आने के बाद ही मैं बनाई और सलाद काटा, बाकी मेरा किचन का काम हो गया था। मौसम अभी भी क्लाउडी ही है, अंधेरा अंधेरा सा, खिड़कियों में देखिए दिख भी रहा है। और जैसे ही मेरा सब्जी और दाल बन गया, मैं नीचे चली गई जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। ये देखिए, और पूजा इन्होंने शुरू कर दिया था जब मैं नीचे आई, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। ये देखिए, एकदम विधि विधान से, बिल्कुल पंडित की तरह। पूजा घर में ऐसे भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मैं इतना ज़्यादा पूजा नहीं करती, क्योंकि सुबह सुबह यही नहा कर पूजा कर लेते हैं और मैं तो दोपहर तक नहाती हूँ। मेरा नहाना 11 बजे के बाद ही होता है और ये सुबह नहा लेते हैं, तो इसलिए सुबह यही पूजा करते हैं रोज़। और आज तो विश्वकर्मा पूजा है तो यही करते हैं हर साल, आज भी कर रहे हैं।
देखिए, उन्होंने अपने कार की पूजा की, बाइक की, और बच्चों ने अपनी साइकिल की पूजा की। बच्चे बहुत खुश थे, मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल है, फर्स्ट पूजा है मेरी साइकिल का। और पूजा करने के बाद हम लोग अपने रूम में वापस आ गए, और उसके बाद हमने खाना खाया। पहले तो मैं फर्स्ट में चाय बनाई और इनको चाय दे दिया, और उसके बाद मैंने चावल रख दिया, और उसके बाद खाना खाकर दोपहर में हम लोग सो गए। और बस ये आज तक का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ऑफ कर दे प्रांजल।